पहली बात तो यह है कि वो आज सिर्फ एक बात का जवाब दे देना, उनकी हर बात को हम मान लेंगे। वो सवाल ये है कि क्या उन्होंने जिस एवन फील्ड अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं, जिसमें वो खुद, उनके भाई, उनकी फैमिली, आज बता दें उसके क्या सोर्सेज हैं, वो है किसका? आपको पता है मरियम नवाज को किसने छोड़ दिया? उन्होंने कहा जी ये तो इसका है ही नहीं। तो भाई किसका है? आज आकर आप बता दें कि ये किसकी मिल्कियत है जिसमें आप पिछले 30-35 साल से 40 साल से वहां रह रहे हैं। वो आखिर किसी ने खरीदी होगी, उसकी कोई रसीद होगी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ पाउंड्स की अगर ऐसी मालियत की आपकी प्रॉपर्टी है तो लेट इट बी एक्सप्लेन। मसला ये है कि शरीफ फैमिली एक माफिया का रूप धार चुकी है। जो उसके खिलाफ फैसला देगा वो उसकी नजर में मलाइन करेंगे उसको, जिस तरह आपने चीफ जस्टिस और बाकी जजेस को किया। साकिब निसार ने तो एक फैसला ही नहीं दिया इनके खिलाफ। कौन सा फैसला दिया? सिंगल फैसला नहीं दिया, वो तो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे पनामा केस में। दूसरी बात यह है कि नीचे अरशद मलिक को तो खुद बिठा करके उनके साथ वीडियो बना रही थी ये।